नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं हूं रॉबिल और हाजिर हूं आज फिर से एक नए विषय के साथ, जिसका मुख्य जो केंद्रित रहेगा वो रहेगा करियर बिल्डिंग। जहां भी कहीं करियर की बात होती है तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करें ताकि ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। उसके लिए हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, हर इंसान हमारे करियर को हासिल करने में हमारे लिए प्रयासरत रहते हैं। और कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को समझ नहीं पाते। अर्थात जरूरी नहीं है कि जो सामने वाले ने बोल दिया है वही किया जाए। हम जैसे कि बात कर रहे हैं करियर की, करियर मुख्य तौर पर 6 शब्दों से बना है, जैसे कि सी फॉर कैलिबर, ए फॉर एडवाइस, आर फॉर रियलिटी, ई फॉर एक्सप्लोर, अगेन ई फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, एंड आर फॉर रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन 6 शब्दों को आपको हर शब्द का मतलब बताने की कोशिश क्यों की। आप सोचिए या आप देखिए, जैसे मैंने शुरुआत सी से करी जो हुई हमारे कैलिबर से, और अंत कहां पर हुआ, रिजल्ट पे। जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमारा कैलिबर क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की इच्छाओं को अपने कंधों पर डाल के पूरी तरह से दबाव में आ जाएं। प्रयत्न करें वो करने की जिसके प्रति आप जागरूक हैं, जिसके प्रति आपका शौक है, जिसके प्रति आपको लगता है कि आप पूरा कमिटेड हैं। कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने परिवार वालों को और अपने गुरुओं को इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं और एक राय बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमें आंखें बंद करके अपनी ही बात करनी है या अपना ही हमने जो है नजरिए को जो है इंप्लीमेंट करना है। मैंने बताया ए फॉर एडवाइस नॉट फॉर रियलिटी, दैट मींस कि सलाह भी जरूरी है, तभी हम रियलिटी को जान सकते हैं। हम सभी इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, हम सभी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, हम सभी MBA करने के बाद मैनेजर बनने की कोशिश करते हैं। सही है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बात सोचने वाली है वो ये कि क्या सभी इंजीनियर बन पाएंगे, क्या सभी को नौकरी मिल पाएगी, क्या सभी अपने करियर को 100% हासिल कर पाएंगे। शायद हाँ, शायद ना। मैं उन सभी माता पिताओं से, उन सभी गुरुओं से, उन सभी दोस्तों से, या आप कह लीजिए उन सभी व्यक्तियों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर वो किसी भी बच्चे का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उस मार्गदर्शन को शुरू करने से पहले एक बार हमें बच्चों की रुचि के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने भी MBA किया था ये सोचकर कि मैं फाइनेंस की दिशा में आगे बढ़कर कुछ हासिल करूंगा, और नतीजा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब, दूसरों की इच्छाओं को अपने कंधे पर लादने से बेहतर ये है कि वो काम करें जिसको हम 200% अच्छे से निभा सकते हैं। करियर की बात करना और समझना और उसको इंप्लीमेंट करना तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बोलना और कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। चाहे हम किसी भी संकाय को चूज करें, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अदर फील्ड से रिलेटेड हो, मैटर ये करता है कि उस करियर को चूज करने से पहले हमें ये देखना है कि उस फील्ड में हमारे लिए रोजगार के अवसर होंगे या नहीं। मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सभी इससे भलीभांति परिचित हैं कि आज की जो दौर में काफी हद तक हम सुनते हैं या काफी बार सुनते हैं कि रोजगार जो है बहुत कम हो रहा है। मैं इसको कुछ हद तक गलत मानता हूँ। रोजगार कम नहीं हो रहा है, समस्या आ रही है उन लोगों से जो पूरी तरह स्किल्ड नहीं है। नौकरी उनके लिए नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहते,
और जो सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए नौकरियों की कमी नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम किसी डिग्री को पूरा करें और एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें और नतीजा जीरो हो, उससे पहले हम ये जानकारी जरूर रखें कि जिस भी दिशा की ओर हम कदम बढ़ाएंगे उस दिशा में हमारे लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। बाद में हम किसी को दोष दें, हम पहले ये जान लें कि रियलिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। इन तीनों का समन्वय बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज के विषय से कुछ हद तक जानकारी मिली होगी। मेरे इसी विषय पर आगे भी वीडियो आते रहेंगे, जानने के लिए देखते रहें YouTube चैनल रॉबिल द ब्रेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।